ससुराल सिमर का की सिमर यानी कि दीपिका, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। सीरियल्स के साथ साथ इन्होंने व्लॉगिंग करके भी लोगों को एंटरटेन किया है। बहुत कम लोगों को ये याद होगा कि दीपिका बिग बॉस के सीजन में ये कहती नजर आई थी कि किसी दिन वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं, जहाँ पे उनको जो रेसिपीज आती हैं वो उन रेसिपीज को लोगों को चखाएंगी। अब ऐसा लग रहा है कि दीपिका का ये सपना शायद जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि आए दिन व्लॉगिंग के जरिए वो नई नई रेसिपीज को इंट्रोड्यूस करती हैं। आपको बता दें कि दीपिका जितना खाना खाने की शौकीन है, उतना ही वो खाना बनाने की भी शौकीन है। उनके वीडियोज आए दिन वायरल होते रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी व्लॉगिंग्स में कुछ ऐसी डिशेस भी दिखती हैं जो कि ना तो आपने कभी खाई होगी और ना ही उन डिशेस के बारे में आपने कभी सुना होगा। एक वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया है वो हम आपको दिखाते हैं। मैं बहुत 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 ज्यादा लेजी मूड में हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सुबह से, सोई उठी कुछ नहीं, बस ऐसे लेटे लेटे टाइम पास कर रही थी, कुछ फोन पे वीडियोज देख रही थी एंड ऑल। और शोएब आज गए हैं अपना हेयर कट करवाने के लिए, तो उस चीज़ के लिए मैं बड़ी खुश हूँ कि चलो अच्छा है। और अभी वो आने ही वाले हैं तो उनकी झलक भी मैं आपको दिखाऊंगी। फाइनली उनका हेयर कट हो गया और आज क्योंकि मैं इतने लेजी मूड में हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं। अच्छा मतलब इतने दिनों से मैं घर से बाहर रही हूँ ना, तो बाहर का हैवी खाना बहुत हो गया, तो कुछ सिंपल येट समथिंग वेरी नाइस, तो क्या वो मैं सोचती हूँ और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी शोएब आने वाले होंगे तो चलिए मैं पहले उनकी शक्ल दिखा दूं आपको। ये देखो कौन आया है, इंसान बन गए। अरे क्या इंसान, छोटे करवा लिए मैंने। अच्छे लग रहे हैं कितने, मतलब लेंथ है अभी भी बट इतने तो लंबे हैं, इससे क्या आपको लंबे चाहिए। वो फ्लोई फ्लोई जो कान से उड़ते हैं ना वो तो स्मूथनिंग करवाई है इसीलिए खत्म हुआ ना। हां बट नहीं, पर लेंथ भी तो कटी है यार, बहुत कम कटी है, नहीं, ना के बराबर कटी, काफी कटी है। आप लोग बताइए कितनी कटी, मुझे लगता काफी। मेरा बच्चा चलता तो मैं तो वो पहले जैसे कटवाते थे वैसा बोलती। और नहीं तो क्या, दुबई में कितने स्मार्ट लग रहे थे वैसे वाले। यूं तो नहीं हो गए, नहीं उससे तो शोएब उससे बहुत लंबे है, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे खुद अपना चेहरा अजीब सा लग रहा है, तो इतने दिनों बाद घर पे, जैसा कि मैंने आपको बोला, तो मुझे ना कुछ ऐसे घर का बना हुआ कुछ बहुत ही अच्छी चीज खाने का मन कर रहा था, तो मैं आज बना रही हूँ कढ़ी चावल, यस। और उसके साथ मैं थोड़ी सी भिंडी भी फ्राई करके खाऊंगी, मुझे वो कचर कचर मुंह में आता है वो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ऑलरेडी मुंह में पानी आ रहा है। सो सबसे पहले मैं कढ़ी बना रही हूँ और मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। हालांकि कोई बहुत ऐसे डिफिकल्ट चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है जो कई लोगों को अच्छी लगती है, और स्पेशली इस मौसम में जब बारिश हो रही है, हल्की हल्की ठंड है, तब तो कढ़ी चावल, अचार, पापड़ और जो भिंडी फ्राई और प्याज, मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए, ये मैंने लिया है 600 ml दही, ये थिक दही है। इसको सबसे पहले हमें अगेन मैं रिड़कना बोलती हूँ या विप करना, जो भी कर लेना है, जब तक इसके लम्स जो है वो खत्म ना हो जाए। अब जो है हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें बहुत सारा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत पतला होना चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि जितना पतला दही करके आप डालोगे उतनी अच्छी आपकी कढ़ी बनती है। तो चलिए इस दही के मिक्सचर में स्पाइसेस डालते हैं। सबसे पहले हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, फिर गरम मसाला 3/4 स्पून, थोड़ी सी हींग बस चुटकी भर, और नमक स्वाद अनुसार, मैंने डाला है 3/4। मैं हमेशा कम नमक रखती हूँ ताकि बाद में ऐड करके बैलेंस कर सके। और अब इसमें कढ़ी का सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है बेसन, वो डालेंगे। अब वो है मेरे बाल सही सेट, उस टाइम जब मैं आया था चप्पू लगा था, बिगाड़ना मत। नहीं मेरी कसम, नहीं बिगाड़ना। हैंडसम लग रहे हो ना, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे। नहीं अच्छा लग रहा हूँ, मना नहीं कर रहा, लग रहे हो ना। तो बीवी की बात मान लेनी चाहिए, बिना आना खानी किए हमेशा मानता हूँ, इसलिए मैंने पीछे के चॉप करवाई, लेकिन थोड़ा सा आगे मैंने कलाकारी करी, आगे लेकिन पीछे के भी चॉप करवाए पर लंबे रखे हैं। अरे वो तो फिर बड़े
ये देखो लंबे रखे हैं तो ज्यादा गुड बॉय यहाँ पे अपनी चलाके छुपाने की कोशिश मत करो। मेरी पोनीटेल नहीं बन रही है भैया, सिर्फ कुतरवाए हैं नाम के लिए। नहीं नहीं कितने बड़े हो गए थे ऐसे ऐसे कितने हो गए थे ना। चलो कड़ी बना रही हूँ, कड़ी चावल खाओगे? नहीं क्यों, डाइट आपकी फेवरेट है कड़ी। कोई बात नहीं, बस पतली घी लगा के दूंगी पकौड़े वाली कड़ी के साथ। ठंडा ठंडा मौसम है। तुम आप लोग सही बोल रहे थे, पता नहीं जब ये आते ये आपकी डाइट नहीं होने देती है। अरे लोग मांगते हैं बीवी जो अच्छा खाना बनाए। चलो 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 हम लोग अभी से अराउंड 10 बड़े चम्मच ऑफ बेसन डालेंगे। मैंने ये छन्नी इसलिए रखी है ताकि जो गिठाने होती हैं वो हम साथ साथ में क्लियर करते जाएं। सो ये ये देखिए एकदम ही स्मूथ और क्रीमी जैसा पेस्ट बना है हमारा, इसमें बिल्कुल गिठाने नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे पानी अराउंड ऑलमोस्ट 1 फुल लीटर। सो ये मैंने इसमें पूरा 1 लीटर पानी डाल दिया है और बहुत ही अच्छा एकदम पतला सा जो है हमारा सॉल्यूशन रेडी है कड़ी का। अब हम चलिए इसका तड़का रेडी करते हैं और जब तक इसका इसको तड़का देने के बाद जब ये कुक हो रही होगी कड़ी, क्योंकि कड़ी को कुक होने में बहुत वक्त लगता है, मीनवाइल साइड बाय साइड हम लोग पकौड़े बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, मैंने सफोला लिया है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, हम लोगों को आदत नहीं है, अगर आप खाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल से कड़ी का जो फ्लेवर है वो और ज्यादा एनहांस हो जाता है, तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज कीजिएगा। तो अब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम उसमें तड़के की चीजें डालेंगे। सो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी जीरा 1/2 चम्मच, फिर मैं डालूंगी मेथी दाना 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा, लेकिन मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर ये है चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड हरी मिर्च, और फिर दोबारा से एक जस्ट पिंच ऑफ हींग एंड कड़ी पत्ता। इसमें कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि कड़ी पत्ता का फ्लेवर तो बहुत अमेजिंग होता ही है। बस इसे हमें थोड़ा सा स्प्लैटर होने देना है, फिर हम इसमें प्याज भून लेंगे। ये मैंने 3 एकदम इतनी साइज की प्याज फाइनली चॉप की हुई है, ये हम इसमें डाल देंगे। सो ये जितने आपको प्याज भुने हुए दिखाई दे रहे हैं बस उतना ही हमने करना है, उससे ज्यादा हमको ब्राउन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब हम ये जो अपना दही का जो पूरा हमने मिक्सचर बनाया हुआ है वो इसमें डाल देंगे। एक दो बार अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा ताकि नीचे अगर कुछ सेटल हो गया तो वो दोबारा मिक्स हो जाए। और अब इसे स्लोली स्लोली स्टर करते हुए ओकेजनली इसे हमें एक बॉईल पे लेके आना है, तब तक और कुछ नहीं करना। सो हमारी कड़ी जो है ये करीब 4-5 मिनट से पक रही है अच्छे से, और अब मुझे इसे थोड़ा और पतला करना है तो मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से ये इस इंच पे पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी गर्म होना चाहिए। इसे मैं काफी देर तक अच्छे से कुक होने दूंगी। ऑलरेडी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखिए ये जो है मैंने चावल भी कुक होने के लिए रख दिए हैं और अब मैं तैयारी करूंगी पकौड़े बनाने की जो मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ पे पकौड़े तो हम सबको बनाने आते हैं, तो ये मैंने अनियन जो है वो थिनली स्लाइस कर लिया है। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। तो शुरुआत करेंगे रेड चिली पाउडर से।
ये मैंने डाला है एक चम्मच नमक, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला करीब आधा चम्मच और थोड़ी सी अजवाइन। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप अगर 3 मीडियम साइज के अनियन है तो आप करीब 1 कप बेसन डाल सकते हैं। और जैसे हम पकौड़े के लिए पानी ऐड करके एक थिक बैटर बनाते हैं, बस वही बनाना है। अब टाइम टू फ्राई द पकौड़ास, क्योंकि हमारी कड़ी 90% डन हो चुकी है। अब मैंने ऑयल भी गर्म कर दिया है, तो अब मैं पकौड़े डालना शुरू करूंगी। इसे मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। एंड मीनवाइल जो कड़ी है वो हो चुकी है, तो मैं इसे ऑफ कर दूंगी। ओवर कुक करेंगे तो दोबारा बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहती। अब लास्ट में मैं जब भी बनाती हूँ, मैं ये मम्मी नहीं किया करती थी, मैं जब बनाती हूँ मैं इसको लास्ट में एक एडिशनल तड़का देती हूँ फॉर दैट मोर फ्लेवर। तो वो पकौड़ा डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी। जना आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई थी, इसलिए वो किचन में आके खड़े हो गए, तो मैं उन्हें ऑप्शंस दे रही थी कि डाइट का कुछ खाना है ये वो, लेकिन नहीं, आई थिंक वो मन बना चुके थे कि उन्हें कड़ी खानी है, इसीलिए उनका कुछ और खाने का भी मन नहीं कर रहा था। और ये देखिए हमारा जो फर्स्ट बैच ऑफ पकौड़ा है वो भी फ्राई होके रेडी है। सो अब ये जो फर्स्ट बैच ऑफ पकौड़ा हो गया, ये मैं इसमें डाल दूंगी गरम गरम कड़ी में, क्योंकि शोएब ने अल्टीमेटम दे दिया है खाना खाने का, तो मैं तब तक ये कड़ी थोड़ी रेडी हो जाए, और इसको जो है मैं ढक दूंगी। अब मैं क्या करती हूँ, एक एडेड फ्लेवर के पंच के लिए लास्ट में मैं घी में लहसुन, मेथी दाना और साबुत लाल मिर्च का छौंक जो है वो कड़ी में लास्ट में देती हूँ। आई नो कड़ी में घी बहुत कम लोग डालते हैं, पर मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। एंड इसीलिए ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी जो है वो गर्म होने रख दिया है। जब ये गर्म होगा तो हम इसमें सब डाल के एक लास्ट यम्मी सा छौंक दे देंगे। सो ये घी गर्म हो चुका है, सबसे पहले मैंने डाला है मेथी दाना, इसे थोड़ा सा स्प्लैटर होने दूंगी, ये साबुत लाल मिर्च और लास्ट में जो है चॉप्ड लहसुन। इस इन सब चीज़ों से ना फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। सो कड़ी हो चुकी है पूरी तरह से रेडी, ये सेकंड जो पकौड़े हैं ये भी मैंने डाल दिए। अब हम इसे कम से कम 7-8 मिनट ढका रहने देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। सब कुछ रेडी है, रोटियां मैंने नीचे से मंगवा ली क्योंकि शोएब कड़ी के साथ रोटी खाएंगे, चावल रेडी है, प्याज मैंने काट दिए, पापड़ मैं बाद में रोस्ट करूंगी। अब मैं बना रही हूँ भिंडी फ्राई, बहुत ईजी है और हम दोनों को ये भिंडी बहुत पसंद है क्योंकि वो जो कचर कचर मुंह में करती है ना, बड़ा ही अमेजिंग लगता है। कुछ नहीं, भिंडी को मैंने क्लीन कर लिया और इस तरह से दोनों एजेस काट के जो है बीच में से स्लिट कर लिया, उसको 2 में डिवाइड कर लिया और गरम तेल में मैं इसे डाल दूंगी, इसे निकाल लेंगे, उसके ऊपर से स्पाइसेस डाल देंगे, बस खत्म। ये भिंडी भी बिल्कुल रेडी है। बहुत जब ये ब्राउन होना स्टार्ट करती है तब बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि फिर ये तुरंत जल जाती है। सो बस इतना आप इसको फ्राई कीजिए तो ये बहुत क्रंची होती है। और उसके बाद इस पे नमक, या मैं तो सिर्फ चाट मसाला डालती हूँ, आप चाहें तो नमक जीरा मसाला भी डाल सकते हैं, तब चाट मसाला थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी आप सॉल्ट डाल रहे हो। सो दैट्स इट, चलिए अभी टाइम टू सर्व एंड टाइम टू ईट। सबसे पहले यहाँ मैं निकाल रही हूँ अम्मी को कड़ी भेजने के लिए, क्योंकि नीचे भी सबको कड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बोल रहे हो भाई? देखो अब आज खा तो रहा हूँ और कड़ी है, मुझे बहुत पसंद है, तो भूख लग रही है जोर से। पता नहीं मैडम क्या कर रही है अभी, क्या कर रही हो? पापड़ लेके। अच्छा जल्दी आ जाओ लेके, चलो।
तो हम लोगों ने अपना ये सिंपल सा लेकिन बहुत ही डिलाइटफुल सा मील जो है वो बहुत इंजॉय किया, जो थी पकौड़े वाली कढ़ी, ये क्रिस्प भिंडी, शोएब ने रोटी के साथ खाया, मैंने चावल के साथ खाया, नीचे भी सबको बहुत पसंद आया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही अमेजिंग सी लगती है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। खतरों के खिलाड़ी 11 के बाद एकता कपूर की नागिन बनना चाहती हैं निक्की तंबोली, कहती हैं कि मेरे अंदर वो सारे एक्सप्रेशंस हैं जो आपको नागिन के इस सीजन में चाहिए। बिग बॉस 14 के घर में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री करने वाली निक्की तंबोली घरेलू नाम बन गई है। सेकंड रनर अप बनने के बाद एक और स्टंट आधारित रियलिटी शो यानी कि खतरों के खिलाड़ी 11 में भी हिस्सा लिया है। इस शो की शूटिंग इन दिनों केप टाउन में हो रही है। हालांकि शो का हिस्सा होने के साथ साथ निक्की तंबोली अब नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बेताब हैं। हाल ही में दिए इंटरव्यू में निक्की तंबोली ने खुलासा किया है कि वो एकता कपूर की नागिन सीरीज का पार्ट बनना चाहती हैं। निक्की तंबोली ने कहा, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है और अब मैं अपने रियलिटी शोज के बाद उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। मैं OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन साथ ही मैं साउथ में फिल्में करना भी जारी रखूंगी। अगर मुझे कोई दिलचस्प किरदार ऑफर किया जाता है तो मुझे डेली सोप ड्रामा करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दर्शकों से जुड़ना चाहती हूँ और उनके दिलों को छूना चाहती हूँ। अगर मेरा किरदार शो में रो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि इसे निभाते समय दर्शक भी रोने को तैयार हो जाए। मुझे पता है कि मैं बेहतरीन परफॉर्मर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। सुपर नेचुरल शो में काम करने पर निक्की तंबोली ने कहा, अगर नागिन ऑफर होता है तो मैं आंख बंद करके शो को करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर शो के लिए भरपूर एक्सप्रेशंस हैं। नागिन एक ऐसी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी है जिसका हिस्सा कौन नहीं बनना चाहता। एकता कपूर के साथ काम करने का अवसर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कभी भी छोड़ना चाहूंगी। सपना चौधरी दोबारा हुई प्रेग्नेंट, लीक्ड पिक्स में दिखा बेबी बम। हरियाणा की जानी मानी कलाकार सपना चौधरी की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो अपना बेबी बम दिखाती नजर आ रही हैं। सपना चौधरी बीते साल कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पहली बार मां बनी थी, जिसके बाद सब चौंक गए थे कि सपना चौधरी ने शादी कब की। सपना चौधरी सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी से जुड़ी सभी खबरें शेयर करती रहती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी को लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसे में कई फैंस ये भी कह रहे हैं कि सपना चौधरी की ये पुरानी तस्वीर है। अगर सपना चौधरी के करियर की बात करें तो वो लगातार सुपरहिट हरियाणवी गाने रिलीज करती रहती हैं। इन गानों में उनके ठुमके देख फैंस फिदा हो जाते हैं। सपना चौधरी हरियाणा की सबसे बड़ी स्टार बनकर उभरी हैं। सपना चौधरी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कब तक खुलासा करती है ये देखना दिलचस्प रहेगा।